सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई। नाअहली पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसला दिया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ताहाल मामला चैलेंज नहीं हुआ, वो राइजुल वक्त है। इसमें जो नवाज शरीफ साहब वाला सर वो आ रहा है बार बार के उनको शायद आंख नहीं मिला अपील, उस पे जरा बता दीजिए। देखिए जी, कानून मैंने तो नहीं बनाया, कानून पार्लियामेंट ने बनाया था और मुझे खुशी है बतौर रुकन पार्लियामेंट के पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जो है उसकी इज्जत अफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अदा किया और ये बात मानी कि कानून साजी जो है ये इख्तियार है पार्लियामेंट का। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं अपील के हक का, तो वो कोर्ट की अपनी जाहिर है उन्होंने देखा और वेरी थिन मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। बाहर क्या मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है, उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है, बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतलका वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे।